करवाने के लिए जो सबसे बड़ी मतलब सूत्रधार रहे हैं प्रशांत जी जो हमारे साथ में हैं अभी, मैं चाहूँगा कि वो कुछ बोले और वो वोट ऑफ थैंक्स की तरीके से हम एक तरीके से देखते हैं उसी। हेलो, आज की इस सभा में उपस्थित आदरणीय अधीक्षक महोदय, आदरणीय जेलर साहिबान, हमारे साथी डिप्टी जेलर्स, हमारी अतिथि डायरेक्टर मैडम, भानु सर, अदिति मैडम और सुनील जी, ओमवीर जी, धर्मेंद्र जी, सत्यानंद जी, सिद्धांत, शंकर भैया, पंकज भैया और मेरे प्यारे बंदी साथियों, जेलों में इस तरह के कार्यक्रम होंगे और इतने अच्छे से होंगे और इतने सफल होंगे इसकी कल्पना मैंने भी नहीं की थी। तो मैं लगभग 22-23 साल नौकरी कर चुका हूँ उस विभाग में, तो मेरे लिए पहला अनुभव है जो इस तरह का मंजर में देख रहा हूँ और आपके अंदर इतना परिवर्तन देख रहा हूँ। मुझे कहा गया है धन्यवाद ज्ञापित करने को, तो ये मैं सबसे पहले शुरू करूँगा अदिति मैडम से। ये एक बार हम लोगों के लिए सर्दियों का टाइम था और हम लोगों को कंबल की ज़रूरत थी, तो बहुत सारे समाज सेवी हैं तो मैडम भी आई थी, तो उसी बीच इन्होंने इस जीवन विद्या के बारे में, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में जिक्र किया। मुझे ठीक लगा बातचीत में, ऑथेंटिक प्रोग्राम लगा, तो मैंने पहले उसको रुचि लेके ज्वाइन किया। भानु सर का परिचय सत्र था बिठूर में, एक अपना वहाँ पे संस्थान है, तो मैं क्या देखता हूँ। और फिर जब मैंने जाना शुरू किया तो मैं बंधता चला गया, जैसे आप लोग महसूस कर रहे हैं, तो पूरी तरह से डूब गया उसमें। और मुझे लगा ये चीज़ मुझसे ज़्यादा अगर ज़रूरत है तो मेरे जेल के बंदियों को है, वो वास्तव में पीड़ा में है, दुख में है, और जो ज़्यादा प्यासा है उसे पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस ज्ञान और इस विद्या की आवश्यकता मुझे आप लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी लगी, तो मैंने निवेदन किया अपने सुप्रिंट सर से, और जैसा कि वो उनकी उदारता से आप सब परिचित हैं, तो अत्यंत उदारतापूर्वक उन्होंने इसको न सिर्फ स्वीकृति प्रदान की बल्कि पूरे आयोजन के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाई कि आप सब बहुत ही कंफर्टेबल वे में 15 दिन तक यहाँ पर सुबह सुबह आकर बैठ सके, और पूरा जो संभव था जितने संसाधन हमारे पास थे, तो ये जो चर्चा चल पाई इसके लिए मैं उनका हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमें अनुमति प्रदान की और ये पूरा फैसिलिटेट किया कि हम सब अच्छे से इस चीज़ को कर पाएँ। इसके साथ साथ मैं अपने जेलर साहिबान का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जेल जैसी संस्था में जहाँ पर हर एक मिनट बंधा हुआ है, हर क्षण बंधा हुआ है समय, यहाँ पर अभी ये होना है, अभी ये होना है, अभी ये होना है, और आप लोग देखते हैं घंटे बजते रहते हैं, याद दिलाते रहते हैं हम लोगों की इतना बज गया, इतना बज गया, अब इसका टाइम है, अब इसका टाइम है। सुबह 6 बजे से जेल के अधिकारियों की, कर्मचारियों की दिनचर्या शुरू हो जाती है और रात को 9 बजे तक कई बार 10-11 भी बज जाता है। तो एक आदमी घर में छोटा सा परिवार होता है तो उसको देखभाल करने में पूरा दिन चला जाता है। यहाँ 3,000 लोगों का परिवार है, आपके हर सुख दुख को हमें ठीक करना है, उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी है। कोई बीमार हो गया तो उसको भी देखना है, खाना खा लिया कि नहीं खा लिया, अदालत पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया, मुलाकात हो गई कि नहीं हो गई, डिप्रेस है तो उसको बुला के समझाना है, लॉट ऑफ थिंग्स। आपस में झगड़ा तो नहीं कर रहे, दो बच्चे होते हैं तो झगड़ा हो जाता है, तो माँ बाप को सुलझाना मुश्किल हो जाता है।
तो ये सब पूरे परिवार की जिम्मेदारी लेते हुए हम लोग करते हैं प्रयास, जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, कभी डांटते हैं, कभी पुचकारते हैं, उसी जिम्मेदारी के भाव से हम लोग इस कार्यक्रम को आपके लिए लाए थे कि आपके अंदर जो पीड़ा है, बेचैनी है, दुख है, वो दूर हो और आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश फैले। एक गीत है, मुझे पसंद है, आपको सुनाता हूँ, आप लोगों ने सुना होगा, मैं गाऊँगा नहीं, मैं बोलूँगा सिर्फ, बहुत फेमस है, तोरा मन दर्पण कहलाए, सुना है ना सबने। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, ठीक है ना, तो हमारे जो मन है ना, हमारा जो आपने देखा होगा उसमें कल्पना जिसको कह रहे थे, है ना, आपने देखा ना, तो वो जो कल्पना वही मन है आपका, उसके अंदर तरह तरह के विचार चलते हैं ना, मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन सबका आधार, मन से कोई बात छिपे ना, मन के नैन हजार, वो देखता रहता है प्रतिपल। इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए, तो इस पूरी शिक्षा का जो सार है वो ये है कि आपका मन क्लियर हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए, आप उसको देखो कि आपके अंदर चल क्या रहा है, और फिर समझो कि आप जा कहाँ रहे हो। सुविधाओं के पीछे जो पागलपन बढ़ रहा है, आप लोग तो अभी कम दीवानगी के शिकार हो, बाहर की दुनिया में आप देखो सो कॉल्ड जो बड़े बड़े लोग हैं, अरबपति, खरबपति, क्या क्या पति हैं, वो उनकी मति भ्रष्ट हो चुकी है, वो पति कितने भी हो गए हों लेकिन मति नहीं है उनके पास, वो पागल हो चुके हैं। और उस पागलपन में एक यात्रा करते हैं और एक नोट को देखते हैं, कागज का नोट देखते हैं, उसके पीछे पीछे भागते हैं, कुत्ते को रोटी जैसे दिखाई जाती है ना, तो पीछे पीछे दौड़ता है, तो भगवान ने एक और रोटी बनाई है, नोट, उसको लटका देता है उसके पीछे पागल, उन्हें पता ही नहीं कि हमें कहाँ रुकना है, पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो इसके माध्यम से आपने देखा होगा कि आपको कम से कम ये समझ में आया कि एक बहुत बड़ा पार्ट, और अच्छा इसके चक्कर में पत्नी, बच्चे, भाई, मित्र, कितनी सारी चीज़ें छूटती चली जाती हैं और एक दिन जीवन ही छूट जाता है, तो ऐसी ज़िंदगी जीने का क्या मतलब। तो आपको ये समझाने की कोशिश की कि आप इसको समझो, जैसे अभी मिश्रा जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि मैं जाके मिठाई दूंगा बाहर निकल के उसको, तो ये कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा परिवर्तन है अपने अंदर। विद्वेष बह गया, घृणा बह गई, क्रोध बह गया, मन हल्का हो गया, शांत हो गया, और शांत चित्त से निर्णय लिया कि मैं ये करूँगा। आपने, कई लोगों ने अपने परिवार वालों को जो क्रोध पाले थे, भार पाले थे, दुख पाले थे, उनसे मुक्त हुए। सर ने कहा कि विद्या मुक्त करती है, तो यही विद्या है। हो सकता है बेरोजगारी से कुछ लोगों को मुक्त करे, कुछ हुनर सीख लेते हैं, उनसे कुछ काम हो जाते हैं, तो ये चीज़ हुई, ठीक है। तो मैं अपने सारे अधिकारियों का, सारे कर्मचारियों का, सुबह जो जेल में आपका गेट खोलते हैं उनसे लेकर जो अंदर व्यवस्था देखते हैं, जो गिनती करते हैं, आपको ले कर आते हैं, बिठाते हैं, दरी बिछाते हैं, आपके लिए चाय लाते हैं, कुछ लोग फ़ोटो खींचते हैं आपकी, तमाम लोग, एक टीम है पूरी जो आपके लिए काम कर रही है, लग रहा है जेल है, इतने सारे लोग आपको सहयोग कर रहे हैं, तो ये सहयोग, सह अस्तित्व क्या पुख्ता प्रमाण है जिस सह अस्तित्व को आप समझ रहे थे। और हम लोग बैठे हैं एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में, एक दूसरे के सहयोग में, तभी तो ये कार्यशाला हो पाई। कोई आपका ये बना रहा था जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं, कोई पंखे चला रहा है, जब पंखे नहीं चल रहे थे सर ने ध्यान दिया पंखे चलाओ, तो ये भावना कब होती है, जब अपनत्व का भाव होता है ना कि तकलीफ ना हो, तो वो भावना है आपके लिए हमारी। और वो जो क्रोध घृणा पाला था वो हमारी अपनी खुद की कहीं ना कहीं कमी थी, जिसकी वजह से हम नफरत में जी रहे थे, तो वो बह गया, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। सर ने आश्वासन दिया है कि भविष्य में इस तरह की चीज़ों को आगे कोशिश करेंगे, और सर ने कह दिया है तो फिर उनका वचन ही प्रमाण है, हो गया तो फिर होगा ही होगा। तो मैं सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग पधारे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इसको सुना इतने धैर्यपूर्वक। 5 मिनट किसी की बात नहीं सुन पाते हम लोग आज के ज़माने में, थोड़ी देर बात करता है कई बार, अरे बस करो यार, होता है ना, लेकिन आप लोगों ने 15 दिन सुना, धैर्य से सुना, शांति सुना, और इतना अप्रिशिएट किया, इतना कृतज्ञता ज्ञापित की, ये आपका बड़प्पन है, ये आपके हृदय में जो परमात्मा का वास है, ये वो बोल रहा है, उसको पहचाना है आप। तो मैं
सबको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देते हुए आप लोगों से आखिर में एक बात और कहूँगा, फिल्म का गाना है तो उसको सुन लीजिए कि न सर झुका के जियो, क्या है उसकी अगली लाइन, न मुंह छुपा के जियो न सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।